फाइनल 2017 खत्म हो गया और 2018 से उसका पैटर्न बदला, पीटी और मैथ पर पीटी और फाइनल पढ़ दिया। तो आज 2018 का मैथ का पीटी बनाना शुरू करते हैं, है ना। उसका एक नंबर सवाल से शुरू करते हैं, बोलो एक नंबर का। 10 संख्याओं का औसत मान 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। 10 का औसत 7 औसत 7 है। हाँ, तो इनका कुल मान बराबर कितना हो गया, 7 × 10 = 70, 70 हुआ। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नई संख्याओं का औसत मान क्या होगा। हाँ, सभी संख्या में दसों संख्याओं में कितना से गुणा किया, 12 से गुणा करने पर इनका कुल मान बराबर कितना है, 70 × 12 = 84 840 हुआ। और कह रहा है कि इसी का औसत निकालना है, इसका औसत क्या हो, तो संख्या तो ज्यों का त्यों है, इनका औसत बराबर हो गया 840 / 12 10 संख्या 10 है ना, 10 बराबर 84, यही आंसर, ठीक है। ठीक है, कह रहा था कि 10 संख्या का औसत 70 है, यही 7 है, और सब संख्या में 12 से गुणा की, उसके बाद उनका औसत क्या होगा। तो पहले 10 संख्याओं का कुल मान निकाल लिए, वो हो गया 70। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं में 10 से 12 से गुणा कर लेते, तो सब संख्या में अगर 12 से गुणा करने का मतलब होता है 10 संख्याओं में 12 से गुणा करने, तो मतलब 17 में 12 से गुणा कर दिए तो 840 हो गया। अब औसत कितना हो, तो संख्या तो 10 से गुणा, तो 10 से भाग दे दिए, औसत की बन गया 14, यही आंसर। औसत का सवाल था, कुछ और नहीं। दूसरा बोलो, 2018 का पीटी में जो पूछा वो है। अच्छा, दूसरा बोलिए, दूसरा क्या है। 8 संख्याओं का औसत मान बराबर 14। हम एक साथ बनाना भी शुरू करते हैं और प्रश्न भी हो जाएगा, ताकि अलग अलग मिटा के लिखना पड़ेगा, इसीलिए इनका कुल मान कितना हो गया, बराबर 14 × 8 = 112 निकल गया। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है। अगर 6 संख्या का औसत मान है, इनमें ही ना, इनमें 6 संख्याओं का औसत मान
बराबर कितना है? 16 इसलिए इनका कुल मान कितना हो जाएगा? 16 × 6 बराबर 96 हुआ। तो क्या कर रहा है? शेष बचे दो संख्याओं का, शेष बचे दो संख्याओं का क्या औसत मान? हाँ, तो पहले शेष, इसीलिए शेष बचे दो संख्याओं का कुल मान, इसको एक मान लिए, इसको दो मान लिए, है ना, बराबर समीकरण है, समीकरण 1 − 2 है। हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया? 96 है, 112 है। अब घटा दिए समीकरण 1 को, समय 2 से मतलब 116 − 96 यही ना निकला? बराबर 96 बराबर 12 × 6 = 6 और ये 10 × 10 = 9 ये कट गया, मतलब 16 हुआ, है ना। शेष दो बच, मतलब शेष दो संख्याओं का कुल मान बराबर 16 हुआ, है ना। तो इनका औसत बराबर हो गया 16/2, दो संख्या है इसलिए 2 से भाग दिए, बराबर 5 हो गया। इसे समझने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं, औसत दिया हुआ है तो कुल मान निकाल लिए और उसको घटा दिए। गरम लग रहा है, अब खोलेंगे कर दिए। अब तीसरा बोलो। पति पत्नी एवं उसके बच्चे की औसत आयु, पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु कितना है? 27 वर्ष। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष है, इसीलिए उनकी कुल आयु बराबर कितनी होगी? 27 × 3 = 81 वर्ष हुआ। कहाँ ध्यान है? ध्यान कहाँ है? तो रुक गई, उधर देख रही हो, बोलो। अब इनकी पूरा ही हो गई 81 वर्ष, अब आगे क्या बोल रहा है? पत्नी और बच्चे की कुल आयु कितनी है? 20 वर्ष। और बच्चे की कुल आयु कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्ष, इसीलिए दोनों की कुल आयु
बराबर 20 गुना 2 बराबर 40 वर्ष। इसको मान लिए और यहाँ लिखे हुए, इसको मान लिए 1 और इसको मान लिए 2। अब क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? वो 27 वर्ष 3 साल पहले था। एक बार बोली हो, ये दोनों का कुल आयु निकला 3 साल पहले का है ना, तो 3 साल पहले पति की आयु की बराबर कितनी हो गई? 1 - 2 बराबर 81 घटा 40 बराबर 41। पति की आयु निकल गई, ये 3 साल पहले थी, तो वर्तमान में आयु कितनी हो गई? वर्तमान में पति की आयु बराबर 41 जोड़ 3 बराबर 44। यही हमारा आंसर हुआ। कुछ समझने में दिक्कत हुआ? नहीं। तीनों का औसत आयु में 3 से गुना करके कुल आयु निकाल ली, फिर दोनों का पत्नी और बच्चा के दिया हुआ है, वो दोनों का कुल आयु निकाल लिए, उसमें से तीनों में से ही दोनों का घटा दिए तो पति की आयु निकल गया, तो वो 3 साल पहले था। आज तीन आज वर्तमान में पूछ रहा है, तो उसमें 3 साल जोड़ दी, निकल गया 44। अब आगे बोलो, बोलो। इसीलिए इनका कुल मान बराबर कितना हो गया? 3.95 गुना 6 बराबर 6×30 57 57 5 36 23। ये निकल एक नंबर 23.70 इनका कुल मान निकल गया। अब क्या कहता है? अब क्या कर रहा है? उनमें से दो संख्याओं का औसत मान 3.4 है। उनमें दो इसके साथ बनाए हुए है ना? हाँ। फिर भी बना देते हैं, दो संख्याओं का औसत मान कितना है? 3.4 इसीलिए इनका कुल मान कितना हो गया? 3.4 गुना 2 बराबर 6.8। इसको 2 मान लिए है ना? हाँ। अब ऊपर से मिटाए, कुछ नहीं था, औसत था, तब कुल मान निकाल लिए, जितना संख्या था उतना से गुना कर दी। हाँ और बोल, और क्या है? हाँ। जब
जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत मान औसत मान 3.85 तीन का कुल मान कितना हो गया? बराबर हो गया 3.85 × 2 और 7.70। उसको तीन मानिए है ना? इसको मिटाए तो क्या कर रहा है? शेष बचे दो संख्याओं का औसत निकालना है। क्या कह रहा है? यही ना, शेष बचे दो संख्याओं का औसत निकालना है। तो शेष बचे दो संख्याओं का औसत मान निकालना, मतलब 6 गो का मान निकल गया है, 2 गो का दो दो करके दो बार औसत मान कुल मान निकाले हैं, दोनों का औसत मान अलग अलग था तो दोनों का कुल इनका कुल मान क्या होगा? 6 संख्याओं का कुल मान में से ये दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका मान घटा देंगे तो उनका कुल मान निकल जाएगा। इनका कुल मान बराबर 6 संख्याओं का कुल मान घटाओ 4 संख्याओं का कुल मान यही होगा। बताते हैं, छह संख्याओं का कुल मान कितना है? 23.70 है। इसमें से घटाना है कि दोनों का कितना था? 7.70 और 6.8 सीमा को हटा दो, कोई वैल्यू नहीं है। 8 + 15 + 7 = 14 मतलब 14.5 सही है। ठीक है। हो गया। अब इसको घटा के लिख दिए, 7 × 5 = 2 दशमलव और 13 में से 4 गया 9 ये निकल गया। मतलब शेष बचे दो संख्याओं का कुल मान बराबर निकल गया 9.2 है ना? इनका औसत मान, औसत मान बराबर 9.2/2 बराबर 4.6 यही आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ? नहीं, ठीक से समझ में आ गया। हाँ, पूछे कहे बैठी हो? पैर नीचे करके बैठो, बैठने में दिक्कत हो रहा है? कर दिए। अभी कै नंबर बनेगा? कितना नंबर है? कै नंबर है? पाँच। पाँच
बोलो क्या है? एक पुस्तकालय में रविवार के बना चुके हैं जहाले में ना। अच्छा छो बोलो। यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं, यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं, यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं तो आगे क्या बोल रहा है? पूरा पढ़ो। अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या, अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है ना? हाँ। तो क्या निकाल रहे? कुल आमों की संख्या। तो कुल आमों की संख्या क्या होगी, है ना? हाँ। और रहा है कि कुल आम है, एक आम है एक जो, उसमें से 20% सड़ा हुआ है और ओकर संख्या है 35, तो कुल आम कितना था? ये बात बुझा गया ना? प्रश्न समझ गया? हाँ। चूंकि 20% सड़े हुए आमों की संख्या कितनी है? 35 है, हाँ। है ना? हाँ। 20% सड़े हुए आमों की संख्या कितनी होगी? 35। इसीलिए 1% आम की संख्या सड़ा हुआ और अच्छा सब एक साथ है, है ना? 1% आम की संख्या कितनी होगी? संख्या बराबर होगी 35/20 होगी। हाँ। 1% कम होगा कुल आम 100%। कुल आम कितना है? 100% आम ही कुल आम। 100% आमों की संख्या कितनी होगी? आमों की संख्या बराबर 35/20 गुना 100, 20 से कट गया 5, 5 बराबर 175 है। समझ में आया? हाँ। 20% है 35 को, है ना? 1% कितना निकाल दी, कितना होगा वो निकाले। 100% कितना होगा? मतलब कुल आम 100% का मतलब होता है कुल आम की संख्या, वो निकल गया। हुआ? हाँ। कोई समझ में दिक्कत हुआ? नहीं। दूसरा बोलो बोलो, इसके बाद का आगे बोलो। 6144 का कितना प्रतिशत? 6144 का कितना प्रतिशत? 5% 5/2 बराबर होगा 5/2 यही ना के बराबर होगी। इसका कितना परसेंट किसकी कितना के बराबर होगा यही कह रहा है, यही ना वो कह रहा है? ये बात समझ में प्रश्न आ गया? हाँ। 144 का कितना परसेंट 5% हाँ यही कह रहा है? हाँ। तो पहले इसी को हल कर लेते हैं।
हाँ, आसानी होगा। हाँ, तो ये दो से कटेगा, देखते हैं। दो का ही दो चार, दो दो में चार, हाँ कट गया, ये हो जाएगा। दो का ही दो, दो दो में चार, फिर दो, फिर दो दो में चार, एक दो अठे सोलह, और फिर आठ, फिर आठ, और इसमें पाँच से गुना, आठ पंचे चालीस, आठ पंचे चालीस चार चौवालीस, चार पाँच दूना दस चार चौदह, एक पाँच दूना दस एक ग्यारह, पाँच एक पाँच एक बोल गया। मतलब एक सौ सौ चौवालीस का वाट परसेंट इतना हो, यही निकालना है हमको। मान लिया कि इकसठ सौ चौवालीस का x परसेंट बराबर है छः सौ चौदह दशमलव चालीस, है ना। हाँ, तो अब x परसेंट है, x परसेंट बराबर इतना है, है ना। तो एक सौ सौ चौवालीस गुना x परसेंट, एक को भिन्न में बदल लिए परसेंट को, तो एक एक सौ सौ चौवालीस गुना एक बटे सौ, बराबर हो गया इतना, है ना। ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इकसठ सौ चौवालीस इंटू एक्स बराबर एक सौ सौ चौदह दशमलव चालीस गुना सौ, हो गया। हाँ, हो गया ना। हाँ, अब दशमलव के बाद जो हम किधर है दशमलव के बाद ये दोनों सुनना हटा देंगे तो ये दशमलव कट जाएगा। हाँ, तो एक्स या एक्स बराबर कितना हो जाएगा, छः सौ चौदह चालीस बटे एक सौ सौ चौवालीस। हाँ, कट जाएगा बराबर दस परसेंट आंसर। हुआ? हाँ, समझ में आया। हाँ, इसको भील में बदल दिया, भील में बदल दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो इतना एक्स बराबर हो गया, इतना एक सौ से इधर गुना हो गया, तो यहाँ दो को सुनना है तो दशमलव उड़ गया। हाँ, तो ये पूरा अंक हो गया। अब एक्स बराबर हो जाएगा, इसमें इकसठ सौ चौवालीस से भाग लगा दें तो इसका दस परसेंट इतना के बराबर, ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं, सिंपल करने के लिए, साधारण करने के लिए इसी को पहले सॉल्व कर दिए, छः सौ चौदह दशमलव चार, और इसका कितना परसेंट मान लिया, एक परसेंट। तो एक्स परसेंट में एक्स से गुना कर दिए, एक्स बटे सौ, परसेंटेज को भिन्न में बदल दिए, तो एक्स बटे सौ बराबर इतना है, एक सौ सौ चौवालीस इंटू एक्स बराबर इतना गुना सौ। हाँ, एक्स बराबर होगा, इसमें भाग दे दिए, इससे भाग दे दिए तो कट के निकल गया दस, दस परसेंट बिठाए। इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ नहीं, उसके बाद वाला बोलो। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कितना परसेंट, चालीस परसेंट नंबर से, है ना। हाँ, अच्छा आगे, अगर वह अगर वह अगर वह एक सौ अठहत्तर अंक प्राप्त करता है, हाँ करता है, हाँ तो बाईस अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता, अनुत्तीर्ण होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है।
हाँ तो क्या कह रहा है? तो अधिकतम अंकों की संख्या है, तो अधिकतम उसका पूर्णांक परीक्षा में पूर्णांक कितना था यही निकालने के लिए बोल रहा है। प्रश्न नंबर दिया गया ना, पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, उसको 178 आता है, लेकिन पास होने में 22 नंबर कम हो जाता है। कहने का मतलब हुआ बराबर है 178 जोड़ 22 बराबर 200 यही ना मतलब है। 40% कितना 178 आया है, अब 22 नंबर से फेल हो गया, तो इसमें जोड़ देता पूरा 200 हो जाता है, यही उसको पास करने के लिए चाहिए। तो 40% अंक है 200 है ना। कोई कठिनाई हो रहा है बात समझने में? नहीं। 178 को अंक लाया है, 22 नंबर कम था, तो अगर 22 उसमें जोड़ देता कोई 200 नंबर चाहिए था तब वो होता 40%। 1% कितना हो जाता, 1% अंक बराबर है 200 / 40 है ना, इसीलिए 100% मतलब पूर्णांक 100% पूर्णांक है, तो 100% अंक बराबर हो गया 200 / 40 गुना 100, 40 × 200 बराबर हो गया 500। मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना हुआ? 500। यही हमारा आंसर है। आया दिमाग में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? अगर y का x प्रतिशत x प्रतिशत बराबर है 80 के 4/5 भाग के बराबर है, तो y का x परसेंट 80 के 4/5 भाग के बराबर है, तो x y का मान क्या होगा? 80 के 4/5 भाग के बराबर है, भाग के बराबर है। क्या कह रहा तो एक्स वाई का मान क्या होगा? एक्स वाई का मान ठीक है, कहने का मतलब है वाई का एक्स परसेंट, का वाई का एक्स परसेंट कितना होगा? वाई इंटू एक्स बटे 100 यही ना होगा? वाई इंटू एक्स बटे 100 वाई का एक्स परसेंट कितना ही होगा? टी बराबर कितना के है? 80 के 4/5 बात के, मतलब 80 गुना 4/5 यही माने निकला हुआ ना। हाँ। ये कर दिया 16 64 एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 64 × 100 64 × 100 बराबर 64 यही आंसर होगा। समझ में आया? हाँ यही आंसर, एक्स वाई बराबर होगा 64। उसके बाद वाला बोलो। यदि वाट का 45% जोड़ 90 का 30% बराबर 210 का 30% तो ज्ञात संख्या क्या होगी? वाट इक्वल टू
एक्स मान है। वाट बराबर एक्स मान है ना, और ज्ञात राशि वाट को निकालना है। हम वाट को एक्स मान लिए है ना। हाँ। तो अब इसको हल करते हैं। हल कर रहे हैं, वाट का 45% मतलब एक्स इंटू 45% बदल के लिख रहे हैं प्लस 90 का 30%। 90 गुना 30% ये बराबर कितना के है? 210 के 30% के। 30% ये हमको एगो समीकरण मिल गया, सिंपल इक्वेशन, साधारण समीकरण। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। या कैसे कटेगा? 5 ये हो गया 9, ये हो गया 20, ये 2 सुना, ये 2 सुना कट गया, यहाँ भी ये 2 सुना कट गया। कट गया क्या? 9 बाई 20 बराबर कितना हो गया? 27 प्लस 9x + 20 + 9x / 20 + 27 ये बराबर हो गया 60। या इतना बराबर हो गया। ठीक है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। साधारण समीकरण है और मिटा है ऊपर। हाँ। ये निकल गया। अब हमको यह 9x / 20 बराबर हो गया 63 - 27 बराबर 36। ये निकल गया। हाँ। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हाँ। तो 9x बराबर कितना होगा? 36 × 20। एक्स बराबर क्या निकल जाएगा? 36 × 20 / 9, 9 से 1 कट गया 4, 80। यही अज्ञात राशि वाट बराबर 80 आंसर हुआ। हाँ। हो गया। हाँ। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ। बनावेंगे 100। हाँ। 40 सवाल बनावेंगे, समझ गए ना। हाँ। आज इतना ही पर छोड़ देते हैं। हाँ। इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। हाँ। रिवाइज ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाएगा। हाँ, खत्म।